हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं हूँ भीजल और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो है मेरे घर में चर्च है, पादरी चर्च। मेरे घर में आज पादरी बाबा आने वाले हैं चर्च के लिए। तो होता क्या है कि हम लोग पादरी चर्च में खाना खिलाते हैं, मतलब सबों को खाना खिलाते हैं। घर के लिए बहुत कुछ सामान, बहुत कुछ घटा हुआ है। कम से कम करीबन 20-25 लोग आते हैं यहाँ, मतलब हर किसी के घर पर आते हैं। इतना जमा होता है, जिसको समय है, जैसे समय बनता है वैसे लोग आते हैं। तो सुबह सुबह नहाना धोना कर ली हूँ, और अभी तो घर का काम, क्योंकि अकेली हूँ तो हर चीज़ को करना है। 25 लोगों का खाना बनाना है अभी फिलहाल। अभी नाश्ता वगैरह बना के खा के पहले तो राशन लेने जाऊँगी, दूध, चिकन लाना है, चावल लाना है, और प्लेट वगैरह सारा चीज़ लाना है। दूध 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 वाला सामान तो रे, हाँ ये तो हुई हुई। तो बस शॉर्टकट में खाना बनाऊंगी। आज आलू चोखा, दाल दाल उधर कुकर में डाल दी हूँ, चावल चढ़ा दी हूँ। ये मेरा जो है ना मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा लूज है इसलिए इसको लगाती हूँ। इधर चाय बन रहा है, इधर रोटी बनेगा, मतलब सब चीज ऑलमोस्ट एक साथ करना है। ठीक है, मैं जा रही हूँ अभी गोबर लेने। नानी का कहना है कि बहुत दिन बाद लकड़ी वाला चूल्हा जलेगा, तो इसलिए वहाँ पे गोबर करना ज़रूरी है। और घर पे तो कि घर पे गोबर होगा इसलिए ढूंढना पड़ता है। मैं सोची थी बगल वाली आंटी को गोबर मांगूंगी, लेकिन यहाँ पे एक गोबर का मेला है, देखते हैं अब इससे होगा कि नहीं। थोड़ा सा है तो कोई बात नहीं। को बस बाहर निकलना है। अरे सुजु कर रहा है, इतना गोबर मिला, पूछते हैं नानी से होगा या नहीं। मांगो, अरे इतना हो जाएगा क्या? नानी लोग करे नाश्ता, मैं नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता करूंगी फिर चौक जाऊंगी। ढेर सारा कपड़ा धुला, देखिए बरसात है लेकिन कपड़ा गंदा करना हम लोग खत्म ही नहीं करते। दुनिया भर का कपड़ा है, धोबी धोबी लोग का भी इतना कपड़ा नहीं होता। क्या पूछा? नानी यहाँ गोबर कर रही है, बीमार है फिर भी। और इसमें देखिए, रुको देखिए, इसको ये जो डेक्ची में लिपा हुआ ना, ये सर्फ और सरसों तेल है, हम भी आज ही सीखे हैं। ठीक है, नहीं तो पहले हम राख से या मिट्टी से करते थे, लेकिन इससे काला नहीं होगा ना। हाँ काला नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, छूट जाएगा तेल की वजह से। ठीक है, दोनों में किया हुआ, उधर भी इधर भी, अरे ऐसे सुंदर दिख रहा है। मैं भी नहीं जानती थी पहले, लेकिन मेरी फ्रेंड बताई कि सरसों तेल, थोड़ा सा सरसों तेल और उसमें सर्फ लेके उसको पूरा लेप लगाने से हल्का एकदम पतला, वो नहीं कि मिट्टी और हम लोग राख से करते हैं ना एकदम मोटा सा, वैसे नहीं, पतला सा भी देने से आराम से तेल की वजह से जितना कालापन है वो छूट जाएगा। तो फिलहाल तो रेडी हो गए हैं, टुम टुम, ठीक है। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, सब्जी वब्जी लेते हैं, फिर आके फिर आप लोग से मिलते हैं। कितने ठो है, 5 ठो पीछे ठो। आ गई हूँ बाजार से, और इतना भारी बैग, बाप रे बाप, बहुत सब्जी, हरा हरा सब्जी, इसलिए हम जाने खोजते हैं बाजार कि हमको वहाँ बहुत सस्ता सस्ता और हरा हरा सब्जी। दो दो आदमी खाएंगे इतना साग को बताइए। ये मूली अभी सलाद बनेगा इसका, ये हमको 10 रुपये में दे रहा था इतना ढेर सारा लालची से, हम जानते हैं लेके आए, जानते हैं बूढ़ा ही 10 रुपये में, पैसा वेस्ट, कोई बात नहीं। भरबट्टी, खीरा, कद्दू, यही है मुचरी साग, उस दिन हम एक वीडियो में जिक्र किए थे इसका, यही है मुचरी साग, धनिया पत्ता, केला, और ये खट्टा वाला साग, पता नहीं इसको क्या साग बोलते हैं। उधर कुंदरी, उधर प्याज, आलू, टमाटर, इधर उधर, और झोला करीबन 15 केजी हो गया था मेरा, बहुत मुश्किल। इस साग को क्या बोलते हैं? बूढ़ी मुकुनी है, बूढ़ी मुकुनी खट्टा साग, जंगल में रहता है खट्टा साग, इसको बोलते हैं बूढ़ी मुकुनी। ये जंगल में मिलता है और खट्टा खट्टा लगता है, और बूढ़ी मुकुनी मतलब कि बुढ़िया लोग का घुटना। हालांकि मुंडा में
बुढ़ी मुकड़ी मतलब बुढ़िया का घुटना, ठीक है? तो ये है बुढ़िया का घुटना साग, जो कि हम लोग खाएंगे पका के, नानी बनाएगी, मतलब इसको छीलेगी, कैसे बनाती है पता नहीं, आई डोंट नो। वो जैसे छीलेगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे छीलते हैं इसको, खाते हैं ना। मम्मी खाती थी तो बाजार में मिला तो देखी तो मैं लेके आ गई। खट्टा 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 लगता है, हल्का खट्टा, ठीक है। अब इतना सब्जी को अभी हमको सजाना है, पकाना भी, आग भी जलाना है। नानी प्याज व्याज काट के रख दी है इधर, छील के रखी है, काट के भी नहीं रखी है। तो नानी का हाथ से आग जला ली है, चूल्हा क्या बोलते हैं धरा ली है, और क्या बोलते हैं सलगा ली है, और क्या बोलते हैं, रुको, और क्या बोलता है, भुला गए। तो पैसा दो, तब पैसा क्या का पैसा बोलो, नया दुल्हन तो कैसे आग जला, तो पैसा देना पड़ता है ना। पिकनिक मना रहे जैसे लग रहा है हमको, तो घर घर खेल रहे हैं। हो जाएगा, हम चावल लाते हैं। बारिश भी टिपिर टिपिर आ रहा है। हाँ, उसमें वो डेक्ची को चढ़ा। तो जब शादी होता है, नया चूल्हा जब धराते हैं मतलब आग जलाते हैं, जो जहाँ पे वो क्या बोलते हैं किचन बना होता है, वहाँ लकड़ी चूल्हा होता है, उसमें आग जलाती है दुल्हन जब, तो वहाँ जितने भी लोग रहते हैं उनको दुल्हन पैसा देती है जितना वो मांगते हैं। अब ये नहीं कि 2,000 मांग लीजिए आप लोग, ठीक ना, एक हिसाब से मांगिए कि दुल्हन दे भी पाए, है ना। तो मांगती मांगते हैं इसलिए कि उसका वो वहाँ का क्या बोलते हैं उसका हाथ का पहला वो वहाँ आग होता है, चूल्हा होता है, इसलिए वो एक बोलने से वो शगुन है, एक रिवाज है जो दिया जाता है, दुल्हन देती है लोगों को वहाँ जितने भी खाना पकाते हैं ना किचन में, उनको देती है। अरे तभी बता दिया, बता दी। कढ़ाई अब तक गर्म नहीं हुआ, तो मैं सोची कि खाना खा लूं, और आलू का भरता, दाल चावल, और ये राई का अचार। बहुत जोर से भूख लगा है, सुबह से नाश्ता नहीं किया। और एक बात कि ये तो हम लोग घर पे बनाए हैं ना, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन जो पुरखा वाला जो चूल्हा होता है ना, मतलब जो बहुत पहले पहले से चलता आ रहा है, वो सब चूल्हा को आप लोग ऐसे खाना खाते हुए नहीं छूइएगा, लकड़ी भी नहीं। वैसे में कुछ अनहोनी होता है, जैसे चिड़िया का, चिड़िया में जो घर है ना अंशु का, वहाँ पर अगर आप खाना जूठा हो, मतलब हाथ जूठा हो और खाना निकाल लिए अपने प्लेट में लेफ्ट हैंड से, या फिर खाना ऐसे चूल्हा पकड़ दिए, कुछ भी चूल्हा का काम, तो उस दिन सांप आना ही आना है घर पे, ठीक है। तो वो जो सांप होता है, नानी लोग बोलती है कि वो सांप ना दादू पर दादू दादी वो लोग आती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग हाथ धो के ही चूल्हा छुइएगा, अगर आप पुराने कोई पुरखा वाला चूल्हा अगर आप लोग पकड़ रहे हो तो। ये तो हम लोग बनाए इसलिए कुछ नहीं होता यहाँ पे। जब भी आप लोग सब्जी बनाएगा, हमेशा प्याज का, मतलब प्याज डालते हैं उसके बाद ही आलू या कुछ भी बना रहे हो तो, खासकर आलू, तो प्याज के बस प्याज डालते हो और आलू डाल दो, इसलिए कि जो प्याज है ना वो जले नहीं। इसको बोलते हैं डबल काम। छोटा हो गया कढ़ाई, 30 आदमी हो जाएगा। नहीं क्यों, नहीं आएगा 30 जन, तो 25 जन 20 जन आएगा, पानी बरसात में तो कहाँ ले। झींगा ला ला बड़का सा ढक्कन। खाना सब्जी तो चढ़ा दी है, खाना बन गया, दाल भी बन गया, ठीक है। अब चिकन चढ़ाया हुआ है और सब्जी भी चढ़ाया हुआ है। घर दिक्कत यह है कि मेरे घर पे स्पेस नहीं है, ठीक है। स्पेस नहीं है मतलब देखिए, इधर सोफा है, यहाँ पे एक सोफा था जो कि हम भाई के रूम में घुसा दिया है। अब ये भी है, ये भी मैं भाई के रूम पे घुसा दूंगी। अब बारिश आ रहा है बाहर में, बाहर जो है बारिश, कि मैं यहाँ नहीं बैठा सकती, नहीं तो मैं हमेशा से यहाँ पे करती हूँ चर्च, आप लोग पहले भी वीडियो में देखे होंगे, ठीक है। अब दिमाग लगा रही हूँ कुछ कुछ,
ये टेबल को करूँगी वहाँ पे, जो आएंगे प्रेयर के लिए पादरी बाबा वो बैठेंगे वहाँ पे, बाकी इधर चटाई एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे भी चटाई बिछाऊँगी, यहाँ पे भी बिछा दूँगी, ये आयरन बोर्ड को उधर कर दूँगी, देखते हैं क्या होता है, करके मैं आप लोग को दिखा देख लो कौन सा खाएगा। तो दाल दल वालो दिख रहे ना। हाँ हाँ ठीक। तो चर्च हो गया खत्म, सब लोग चले गए वापस, मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। खाना वाना हम लोग अभी खाएंगे। ये सब इधर कर दिए थे और चर्च खत्म हो गया है। हिम्मत नहीं हो रहा शरीर में कि एक सामान भी उठा ले, लेकिन गंदा हो गया है पूरा, नहीं करेंगे तो हम ही को नहीं अच्छा लगेगा। सबसे बड़ा टास्क अभी बाकी है, कल प्रोग्राम है 23 को हमें सावन क्वीन, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट की हूँ और हालत बहुत गंभीर है मेरा। क्यों? क्योंकि मैं ना डांस भी नहीं सीखी हूँ, कुछ नहीं, कल है और अभी तक कुछ तैयारी नहीं हुआ है। और चर्च ख़त्म हो गया है, इधर इधर पूरा बिछा हुआ था, इधर पूरा बिछा हुआ था चटाई। ये टेबल है, कांच दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन ये टेबल है, ये टेबल यहाँ पे था, नानी जहाँ बैठी हुई है, सोफ़ा कवर नानी चेंज कर दी, ये वाइट वाला लगा हुआ था, अभी हम लोग इसको यूज़ करेंगे इसको अभी, और पैकिंग भी करना है हमको, पैकिंग करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों की पैकिंग क्या क्या पैकिंग करेंगे। ये सावन क्वीन का भी कंपटीशन होने वाला रांची में, उसके लिए तैयारी चल रहा है, जो मैं बोली थी आप लोगों को कि बहुत सारा प्रोग्राम है, उसी में से एक प्रोग्राम का ये तैयारी चल रहा है, ये जो कि कल होने वाला है। ठीक है, तो अपने आप को पहले तैयार रखना चाहिए हमेशा कि आप लोगों को क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, तो इसलिए पहले से प्रिपरेशन चल रहा है पहले से। और इधर जो है साड़ी डला गया है, ये आप लोग कल के व्लॉग में देखोगे, क्योंकि ग्रीन ग्रीन पहनना है, तो प्रिपरेशन पहले से कर रही हूँ। और ये सब जो है गहना है, पहले से तैयारी करना चाहिए हमेशा, कहीं भी जाओ एक दिन पहले, मैं तो सप्ताह दिन पहले करती हूँ, लेकिन आजकल थोड़ा सा सुधर गई हूँ इस चीज़ में, अब मन नहीं लगता। इसको एक पॉलीथीन में डालूँगी अभी नहीं। तो ये जीवामे का पैकेट है जो कि अभी काम आ रहा है, इसमें पॉलीथीन तो मिल नहीं रहा है इसलिए इसी में डालूँगी। और ये हो गया पैक, तो पैकिंग हो गया, कुछ कुछ और डालूंगी बाद में डालूंगी वो सब। ये हो गया पैकिंग डन, और अब बाकी है डांस प्रैक्टिस जो कि अभी हम करेंगे। हेलो, तो आज हम लोग, आज नेक्स्ट डे है, सो गुड मॉर्निंग, क्योंकि रात में मैं बहुत थक गई थी, बहुत ही रात हो गया था, प्रैक्टिस करते डांस प्रैक्टिस करते सोचते, मैं ज़्यादा डांस प्रैक्टिस करने से ज़्यादा सोचती हूँ, ठीक है, गाना म्यूज़िक याद करती हूँ, सोचती हूँ फिर उसको करती हूँ, ये होता है। तो बस वही था, मैंने दिखाया कल आप लोगों की मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपना रूटीन, घर का काम, बाकी चीज़ भी कैसे मैनेज करती हूँ, तो वो चीज़ मैंने कल दिखाया आप लोगों को, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो बस आज जो है रांची जा रही हूँ, ये नेक्स्ट डे है, मतलब क्या सो प्रोग्राम है, नेल पेंट वगैरह सारा पहले ही लगा ली थी, फिलहाल रेडी हो रही हूँ, तो अच्छा लगा होगा आप लोगों को वीडियो, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, प्यार बनाए रखिए, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। सो टाटा बाय बाय, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।